भारत समेत दुनिया भर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि महामारी के प्रकोप के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। चर्च में कोरोना गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे हैं। चर्च में गैदरिंग नहीं हुई, लोग क्रिसमस का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। पूरे देश में क्रिसमस की धूम है। और बताया आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है, शुभकामना दी है। कोरोना की वजह से इस बार यानी क्रिसमस गैदरिंग की मनाही की गई थी चर्चों में। और चलिए, संत मारिया चर्च से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी। अंजनी, मेरी तरफ से भी, पूरे न्यूज 11 भारत की टीम की तरफ से भी सभी को मेरी क्रिसमस। और आप जहां पर खड़े हैं वहां पर हालांकि इस बार रौनक तो वैसी नहीं है, लेकिन लोग जरूर जुट रहे हैं। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल ईसाइयों के लिए, और आज एक उनके लिए बड़ा दिन, पूरे दुनिया के लिए बड़ा दिन, लेकिन उनके लिए भी बड़ा दिन कि आज क्रिसमस है और सभी एक सादगीपूर्ण माहौल में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। देखिए भारती, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण रहा और सरकार का जो गाइडलाइंस रहा उसका ईसाई मिशनरी के द्वारा या चर्चों के द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया गया, और यही वजह है कि मैं आज बड़ा दिन का मौका है और यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, तो चर्च में जो है अलग अलग ग्रुप करके प्रार्थना में लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत भीड़ नहीं है, बहुत रौनक नहीं है, लेकिन बालक यीशु का जन्म का जो उत्सव है उसको मनाने के लिए तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। हमारे साथ फादर है और सिस्टर भी जुड़ रही है, इनसे बात करते हैं, उसके बाद चर्च के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। थोड़ा पहले बात करते हैं, कैसा है इस बार का जो बड़ा दिन है? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, ये कोरोना के कारण हम लोग उतना तड़क भड़क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साधारण हम अपने आध्यात्मिक रूप से हम बालक यीशु को अपने हृदय में जगह देने की तो ये कोशिश। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि आध्यात्मिक रूप से इस बार मतलब क्रिसमस का महत्व तो काफी है। कैसे मना रहे हैं आप लोग, क्योंकि कोरोना का भी संक्रमण रहा? हम लोग पहले जैसे बनाते थे वैसे नहीं बना रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा कम, थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत, अभी हम लोग वहाँ पे क्या बोल, ये प्रेयर में शामिल हुए थे आप? हाँ, हम लोग शामिल हुए थे, हम लोग शाम में गए थे, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं था, जितना होना था उतना ज्यादा भीड़ नहीं था, उससे थोड़ा कम था। क्या इस बार जो प्रेयर हुआ, क्या पिछले साल की तुलना में क्या फर्क था? प्रेयर हुआ पर उसमें पिछले बार की तुलना में बहुत इंजॉय करते हैं, नाचते गाते हैं, वैसे मतलब फिर रिफंड नहीं था। चलिए, ये देखिए, जिस तरह से लोग जो है जब क्रिसमस आता है तो एक उत्सव होता है, ढोल नगाड़े की आवाज भी जो है गली मोहल्लों में सुनाई देती है जी। और वो तमाम जो चीजें हैं वो बंदिश रही, कई गली मोहल्लों में मड़वा बनाया जाता है और लोग रात भर दिन भर नाचते हैं, एक दूसरे को शुभकामना देते। चलिए हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल, संत मारिया गिरजाघर के अंदर में जो प्रार्थना प्रेयर हो रहा है तो वो तस्वीर दिखाते हैं। अंदर जाने की, अंदर जाकर बहुत बोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन हम तमाम अपने दर्शकों को, मसीही विश्वासियों को दिखा सकते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो ये देखिए चर्च के अंदर की जो तस्वीर है वो आप तमाम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस बार कोरोना के की वजह से जो है तमाम जो चीजें हैं वो बदल गई हैं। तो अंदर में प्रेयर हो रहा है और जो फादर है, जो बिशप है, वो विशेष प्रार्थना में शामिल है। तो अंदर की तस्वीर और जो गीत मंडली के द्वारा जो भजन गाया जा रहा है तो वो आप हम अपने तमाम दर्शकों को सुना सकते हैं।
अंजनी, अगर ये प्रेयर खत्म हो तो जरा जो वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हम ये जरूर पूछ सकते हैं कि कोरोना ने इस बार क्रिसमस का रंग भी फीका कर दिया है, क्या कुछ मिस कर रहे हैं इस बार कोरोना की वजह से वो क्रिसमस में? देखिए आरती, अभी जो है पूरा कैंपस खाली है और अलग अलग ग्रुप में लोगों को अंदर प्रवेश कराया जा रहा है और चर्च के अंदर जो है जो गीत मंडली के जो लोग हैं वो जन्म उत्सव का जो भजन है वो गाया जा रहा है और जो चर्च के अंदर की जो विधि विधान जो होते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन जो दृश्य तमाम जो दर्शक देख रहे हैं इस तरह की जो पहले जैसे काफी भीड़ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वो तमाम चीजें इस बार वो चीजें नहीं है। लोगों को अलग अलग ग्रुप में बुलाया गया है क्योंकि ऐसे समय में जो है चर्च में आकर प्रेयर करना, प्रार्थना करना 25 तारीख का दिन है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यही वजह है कि अलग अलग ग्रुप में लोगों को, और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि संत मारिया गिरजाघर में लगभग 8 से 10 मिशा अलग अलग समय में आज होंगी। अमूमन ये होता था कि 2 या 3 मिशा जो है 25 दिसंबर को होता था और शाम की मिशा नहीं होती थी, तो ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं पूरी तरह से बदल गई हैं। तो अंदर की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं और एक अलग माहौल है, सभी लोग जो हैं, कई अधिकांश जो लोग हैं जो गीत मंडली के जो लोग हैं उनमें एक अलग तरह का उत्साह होता है और ये बताने का प्रयास होता है कि बालक यीशु जो है पृथ्वी में आ गए हैं और ये जन्म उत्सव जो है एक सादगी से जरूर मनाया जा रहा है लेकिन उसका जो धार्मिक महत्व है वो कभी भी कम नहीं होता है। तो ये एक आस्था है, एक विश्वास है और इसी आस्था विश्वास के साथ यही इस बार का क्रिसमस में यही कहा गया है कि गरीबों को लेकर जो क्रिसमस मनाना है, गरीबों का ख्याल रखना है और यही वजह है कि ये रांची धर्म महाप्रांत की तरफ से आज 12 बजे जो है लगभग 3,000 रिक्शा बुलरों को जो है उन्हें जरूरत की जो चीज़ें हैं वो दी जाएंगी। तो ये सही मायने में क्रिसमस कहा जा सकता है और ये जो ये इसकी जो शुरुआत है हम कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा की गई है, एक बेहतर प्रयास है आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात ये है आरती की सरकार के गाइडलाइंस का जो अनुपालन ईसाई मिशनरियों ने जो किया है क्रिसमस के मौके पे, ये तमाम लोगों को सीखने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझने की जरूरत है और ये क्रिसमस यही संदेश भी लेकर आता है अंजनी, शांति का संदेश, सद्भाव का संदेश। और देखिए कल जब क्रिसमस ईव पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने भी सद्भाव का परिचय दिया और राज्यवासियों को बधाई दी है। इन सबके बीच देखिए मनाही अगर इस बार गैदरिंग की मनाही की गई और सादगी से मनाने का फैसला लिया गया तो सिर्फ इसलिए ताकि लोग क्रिसमस जो पर्व है वो तो सेलिब्रेट करें ही लेकिन इसके साथ साथ वो संक्रमण से भी बचे रहे और इसी के लिए ये फैसला लिया गया। और यही वजह है देखिए ग्रुप में अलग अलग ग्रुप आ रहा है चर्च अंदर, दाखिल हो रहा है हॉल में प्रेयर के लिए, एक साथ सबकी मनाही है, अलग अलग ग्रुप में बटकर आ रहे हैं। देखिए रांची में अलग अलग जो ग्रुप है इसे इन लोगों की भाषा में हम कहें तो अलग अलग टोला है और अलग अलग टोला को अलग अलग समय में बुलाया गया है। तो ये और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं, कोई अब जिसे जो समय दिया गया है उस समय में ही लोग पहुंच रहे हैं। तो ये अनुशासन भी यह हमें बताता है कि कोरोना से लड़ने के लिए जितना हम अनुशासित होंगे, जितना नियमों का पालन करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा, राज्य के लिए बेहतर होगा। तो ये अंदर की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, जो क्वायर ग्रुप है वो क्रिसमस का जो गीत है, बालक यीशु के जन्म का जो गीत है वो गाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि क्रिसमस भाईचारा का, क्रिसमस प्यार का और क्रिसमस ये भी संदेश दे रहा है कि आप अपने समाज में वैसे उपेक्षित लोगों का भी ख्याल रखें क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति में क्रिसमस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। कई जगहों में लोग जो है चर्चों में भी जाने की बंदिश है और ऐसे समय में यदि ये तमाम चीज़ें नियमानुसार हो रही है तो हम जरूर कह सकते हैं कि एक बेहतर विपरीत परिस्थिति में अनुशासित होकर
चर्च में आना, प्रेयर करना, एक दूसरे को बधाई देना। चलिए अब जब लोग बाहर निकलेंगे प्रेयर के बाद अंजनी, तब उनसे बातचीत होगी और तब बाकी ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि इस कोरोना काल में क्रिसमस की कैसी रौनक देखने को मिल रही है, कैसे अलग है इस बार का क्रिसमस बाकी दिनों से। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सेंट मारिया चर्च से हमारे सहयोगी अंजनी ये सारी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इस बार एक साथ सभी को हॉल में आकर प्रेयर करने की परमिशन नहीं दी गई है, छोटे छोटे ग्रुप्स आ रहे हैं क्योंकि पहले ही कहा गया है कि लोग सादगी से ये पर्व मनाएं और संक्रमण से बचाव का भी पूरा ख्याल रखा जाए। और यही वजह है कि इस तरह टोले में लोगों को अंदर जाने की इजाजत है और फिर धीरे धीरे सभी प्रभु यीशु के लिए प्रेयर कर पाएंगे। चंद्रपुर